अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सनिया रफ़ीक। आई एम हेयर टू टीच यू केमिस्ट्री। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे एटम की, कि एटम के सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस, और साइडों पे क्या मौजूद होते हैं, शेल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम में उसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से डिफरेंट शेल्स मौजूद होते हैं, जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उसमें शेल्स मौजूद होते हैं, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको कहते हैं वैलेंस शेल, या उसको आउटर मोस्ट शेल बी कहा जाता है। सबसे बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल बी कहा जाता है, और वो इनकम्प्लीट होता है। उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए जो एटम्स हैं, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। एटम अपने वैलेंस शेल को फुलफिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए दो रूल को फॉलो करता है, एक तो डुप्लेट रूल है और एक है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल सिर्फ फर्स्ट शेल पे अप्लाई होता है, जबकि बाकी शेल्स पे ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। डुप्लेट रूल का मतलब होता है अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑक्टेट रूल का मतलब होता है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट शेल की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पे एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, यानी अपने 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना चाहता है। तो उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन अगर गेन करना पड़ेगा तो वो गेन भी करेगा, लूज भी कर सकता है, और शेयर भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, कि अगर कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस शेल है वो तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होगा, तो उसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम है उसको रिमूव करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे ये एटम है, तो एटम के वैलेंस शेल में सबसे जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है जिस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम है उसको रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, जो एनर्जी इसको दी जाती है रिमूव करवाने के लिए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम एटम है तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए 496 किलो जूल पर मोर एनर्जी रिक्वायर है, तो उसको क्या कहेंगे, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में होगी तो इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर वो माइनस में होगी तो एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब ही होती है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होती है, वो एटम को दी जाती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तो पहला इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल का पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर मौजूद है जिसको लूज करवाना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही होगी। लेकिन क्योंकि मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और फिर जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसको रिमूव करवाने के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज कॉल्ड द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैग्नीशियम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो उसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आएगी, और फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया है तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 738 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी हम पहले एटम की बात करेंगे कि एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, साइडों पे शेल्स मौजूद होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर तो एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एनर्जी रिलीज्ड, इसमें एनर्जी रिलीज होगी जबकि आयोनाइजेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम किस साइन से शो करते हैं, नेगेटिव से, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो किस साइन से शो की जाएगी, पॉजिटिव साइन से। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है फ्लोरीन की। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो बन जाता है फ्लोराइड आयन। उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है दैट इज 328 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों के ट्रेंड के बारे में, जो के बिल्कुल सेम है, इसलिए इनको हम अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि मैं एक ही ट्रेंड में आपको समझा दूंगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे, और एटॉमिक साइज का ट्रेंड हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी कोई भी एटम है तो एटम के वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करवाने के लिए वैलेंस शेल में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनका ट्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है। बोथ वैल्यूज आर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोनों वैल्यूज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती हैं पीरियड में, और इनकी रीजन क्या है इंक्रीज करने की, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है रेगुलरली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं बट सेम वैलेंस शेल, एक ही वैलेंस शेल में। नंबर ऑफ शेल्स आर कॉन्स्टेंट। लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स कॉन्स्टेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं इन द सेम शेल। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल बिकम मोर। तो जब सेम वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब उसकी अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि एटम का साइज रिड्यूस हो जाएगा। साइज रिड्यूस होने की वजह से किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों की वैल्यू ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज द ट्रेंड इन ग्रुप। The value of both ionization energy and electron affinity decreases from top to bottom. Top to bottom group में ionization energy और electron affinity दोनों की value decrease करती है, और उसकी reason क्या है? First reason है atomic number increase.
टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है बट विद इररेगुलर इंटरवल्स, जबकि पीरियड में रेगुलर इंटरवल के साथ इंक्रीज करता है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं बट द नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करते हैं. जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे बहुत कम हो जाएगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना बहुत आसान हो जाएगा. तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर है, हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड भी करवा सकते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, जब एटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और ऐड करवाना दोनों ही आसान हो जाएंगे और उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए. तो टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है, जितना साइज इंक्रीज करता जाता है उस लिहाज से आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज हैं वो कम होती जाती हैं. दिस इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड ऑल्सो देयर ट्रेंड. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.